नमस्कार, मैं हूं साहेब अली और आप देख रहे हैं livecities.in। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नागमणि ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। ये बयान बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार को लेकर के दिया गया है। नागमणि ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी का गुलाम नहीं है आरएलएसपी। आपको बता दें कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी अब और तीखी हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत में अब तक आरएलएसपी को नहीं पूछे जाने पर पार्टी के नेता काफ़ी नाराज हैं। रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला करते हुए साफ साफ कहा है कि आरएलएसपी बीजेपी की गुलाम नहीं है। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नागमणि जहानाबाद में समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने बीजेपी पर गुस्सा दिखाया। नागमणि ने कहा कि हमें कोई भी हल्के में ना ले, हमारा प्रदेश में खासा जनाधार है। अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो जैसा चाहेगी हमारी पार्टी के साथ बर्ताव करेगी तो ये नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि आरएलएसपी बीजेपी की गुलाम नहीं है। इससे पहले भी नागमणि ने एनडीए को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी को खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि नीतीश के चक्कर में एनडीए का सर्वनाश हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार का खुलकर विरोध करते हुए रालोसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार का जनाधार केवल 1.5% है, लेकिन रालोसपा का जनाधार 10% है। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि रालोसपा को एनडीए छोड़ महागठबंधन में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष नागमणि अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी जो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बयान दिया था, उसके बाद काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी, काफी बयानबाजियां इस पे हुई थी। अब एक बार फिर से नागमणि ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत गर्म हो गई है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें।